नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है और इन बिजनेस के जरिए आप महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 1, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। होम क्लीनिंग प्रोडक्ट आप सभी को पता है कि घर की ऐसे जरूरत है जिसमें क्लीनिंग करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, सरफेस क्लीनर, डिश क्लीनर, इन तरह के चीज़ों का जो है यूज करते हैं लोग और इनका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनको ये करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और आप इनको जो है काफ़ी कम पैसों में इन चीज़ों को काफ़ी इजीली जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आपको केमिकल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो आप यूट्यूब के जरिए सीख सकते हैं कि होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आप कैसे इसको मेकिंग कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं। आप इजीली सीख कर जो है इनके केमिकल्स को लेकर और आप जो है अच्छे से इसको बना सकते हैं और अपना खुद का ब्रांडिंग के साथ में आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनसे कम रेट में आप जो है अगर इनको सेल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप धीरे धीरे अगर इसमें अच्छी से मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं अपने लोकल मार्केट में और जो है धीरे धीरे आप जो है अपने बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पर भी आप लेके जा सकते हैं। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर स्टार्ट करें। नंबर 2 इज मसालों का बिजनेस। आप सभी जानते हैं हमारा इंडिया जो है मसालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के बहुत ज़्यादा मसाले यहाँ जो मिलता है और इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में भी। और ऐसे में अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और लोकल मार्केट में आप धीरे धीरे सेल करते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप जो है ऐसे एक ग्राइंडिंग मशीन और खड़े मसालों को कहीं होलसेल रेट पे ले करके उनकी ग्राइंडिंग करके आप जैसे हल्दी पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, अलग अलग मसालों को आपको ग्राइंडिंग करके उनको जो है आप मार्केट में दे सकते हैं। आपको जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसे आधा किलो का, ऐसे जो है 500 ग्राम का आपको अलग अलग पैक करके भी उनके सामने वजन करके दे सकते हैं। लोगों को जब अच्छा लगेगा, जब देखेंगे कि इनमें मिलावट भी नहीं है, बहुत अच्छा है, तो आपका धीरे धीरे जो है आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और जब आपको लगेगा कि इस पे स्कोप है, मैं इसको और बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ, तब आपको अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप इसमें से लाइसेंस लेकर और इसको और बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं। इस बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। नंबर 3, फेस्टिवल आइटम बिजनेस। आप सभी को पता है इन्हें कि त्योहारों में हम लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे में इसमें से बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी निकल के हम लोगों के सामने आती है। अगर बात करें तो किस तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ऐसे फेस्टिवल सीजन में। जैसे अभी रिसेंटली रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप सभी को पता है कि एक बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, तो ऐसे में आप जो है अपने घर पे राखी मेकिंग कर सकते हैं, राखी को बना सकते हैं और उसको जो है जैसे रक्षाबंधन आने वाला तो उससे कुछ दिन पहले मार्केट में जाके दुकानों में सेल आउट कर सकते हैं या फिर और भी जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो और जैसे कि मान लीजिए दिवाली आने वाला है, तो दिवाली में आप दिया, कैंडल, इस तरीके की चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डेकोरेशन आइटम को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति में काइट, पतंग को बहुत ज़्यादा डिमांड रहता, तो ऐसे पतंग को भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे होली में आप अबीर हो गया, इस तरीके के कलर्स हो गए, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके आप जो है फेस्टिवल सीजन के जो आइटम्स होते हैं उनको आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे जो है इसमें से पैसे आप कमा सकते हैं। क्योंकि नंबर 4, कस्टमाइज गिफ्ट एंड कस्टमाइज ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे जो है ज्वेलरीज को बना रहे हैं, होममेड ज्वेलरीज, और बहुत सारे कस्टमाइज गिफ्ट्स को बना रहे हैं और ऑनलाइन जो है अपने अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, इन सभी जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भी, आपको अगर इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों में तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। होममेड जो ज्वेलरीज होते हैं, होममेड जो कस्टमाइज गिफ्ट होते हैं, उनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ऐसे में आप जो है अगर आपको नहीं आता है कि आप कैसे इसको बना सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं अलग अलग मेट्रो सिटीज़
ऑफिस में, या फिर आप जो है यूट्यूब के जरिए भी सीख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। और आप इसको जो है आप इनकी जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको आप होलसेल प्राइस में खरीद कर इनका बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। इसमें भी आपका जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम आता है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, नंबर 5 मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है मोबाइल किस लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। आप सभी को पता है कि मोबाइल कवर के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, तो ऐसे में जो है आप उनके लिए कस्टमाइज मोबाइल कवर, जैसे कि किन्हीं को फोटोज़ वगैरह मोबाइल कवर के ऊपर चाहिए या फिर कुछ ऐसा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो उस तरीके के चीज़ों को आप यूनिक लेवल में कर सकते हैं, या फिर एक बड़े लेवल पे आप इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं कि मोबाइल का कवर जो है आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, इस तरीके के मशीन लेकर भी आप जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अलग अलग हर महीने जो है अलग अलग मोबाइल हमको देखने को मिलता है कि मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो ऐसे में उनका कवर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप जो है इनके बल्क ऑर्डर्स भी आपको मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है अगर आप मोबाइल कवर का जो है यूनिट लगाना चाहते हैं, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस पे आप जो है बहुत तगड़ी कमाई अगर कर सकते हैं अगर इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं।